हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉम्पिटेटिव फार्मा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा इस बुक के बारे में। बुक का नाम है कॉम्पिटेटिव फार्मा और मास्टर की फॉर फार्मेसी एग्जाम। इसका ये डिटेल रिव्यू इस वीडियो में होगा। ये बुक इम्पोर्टेंट किस चीज़ के लिए है, आप कहाँ से परचेस करोगे, ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बुक का नाम है कॉम्पिटिटिव फार्मा और मास्टर की फॉर एग्जाम। ये जो बुक है अपडेटेड थर्ड एडिशन है, ठीक है। इसमें बहुत से करेक्शन किए गए हैं और ये अपडेट की है थर्ड एडिशन की बुक। ये बुक रिसेंटली, यानी कि आप इसको जब ओपन करोगे तो ये यहाँ पे पता चलेगा आपको, ये मार्च 2020 यानी इसी लास्ट मंथ में, ओके, जो वीडियो आप देख रहे होगे दिस मंथ में, तो लास्ट मंथ में ये पब्लिश हुई है, ठीक है। ये बुक के जो ऑथर है प्रोफेसर अंबिका सांगोड़े, नितेश सूर्यवंशी, डॉक्टर राजेश वाके एंड केतन शिंदे, ये इसके क्या है, इस बुक के ऑथर है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बुक है फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए और डिफरेंट एग्जाम के लिए। तो ये कैसे यूजफुल रहेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो हम स्टडी करते वक्त थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन भी हमें चाहिए और हमें चाहिए पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज भी, ठीक है। स्टडी करते वक्त हमें थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन भी चाहिए और हमें चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, दोनों चीजें हमें लगती है, ठीक है। तो इस बुक में दोनों चीजें, थ्योरी एज वेल एज एमसीक्यू, आपको क्या होने वाले हैं, मिलने वाले हैं। तो देखिए, मैं यहां पे आपको बताऊंगा, ठीक है। पेज ओपन करने के बाद यहां पे इसका डिटेल्स है, ठीक है। ऑथर, पब्लिशर, उनका एड्रेस, एडिशन वगैरह, ये सब डिटेल है। बुक की प्राइस में लास्ट में आपको बताऊंगा। कॉपीराइट वगैरह, इसका कॉपीराइट है, ठीक है। आईएसबीएन नंबर है। आप इस बुक को पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको परचेस करनी होगी फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी। देखिए, बुक बहुत बिग साइज है, बड़ी साइज की बुक है। एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ बुक, प्राइस उसकी बहुत कम भी है, ठीक है। देखिए, कंटेंट पेज में आप देख सकते हो कि कंटेंट पेज में क्या क्या कंटेंट है, ठीक है। टोटल 13 सेक्शंस है, 13 सेक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, मैं वन बाय वन आपको इस सेक्शन बताता हूँ, ओके। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेक्शन है, ठीक है। तो उसके अंदर यहाँ पे दिया है थ्योरी एज वेल एज एमसीक्यू, ठीक है। वैसे बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, देन फार्माकोग्नोसी, ठीक है, डिस्पेंसिंग और फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। इतने सारे सेक्शंस है, हर एक सेक्शन में थ्योरी एज वेल एज एमसीक्यू मेंशन किया गया है, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी में वन लाइनर दिए गए हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है, तो पूरा का पूरा कंटेंट अगर यहाँ पे ले लेते हैं तो बुक बन जाएगी 1000 पेजेस की। तो इतने बड़ी बुक्स आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत आ सकती है। आपका डिग्री या डिप्लोमा जब कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ चाहिए, समराइज इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। आपने पढ़ाई तो कर ली है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समराइज इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पे समराइज इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। साइंटिस्ट की कुछ डिटेल है तो साइंटिस्ट की भी इंफॉर्मेशन यहां पे दी गई है। देन नेक्स्ट देखिए, समराइज इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वन लाइनर इंफॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट है, और साइंटिस्ट की वगैरह इंफॉर्मेशन है तो यहां पे उसका फोटोग्राफ और नीचे साइंटिस्ट हो या इंस्ट्रूमेंट हो, कोई इंपॉर्टेंट चीजें हो तो वो दी गई है। ये समराइज इंफॉर्मेशन पूरी होने के बाद, और ऐसे देखिए, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो डू यू नो सेक्शन करके यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। डू यू नो सेक्शन करके यहाँ पे क्या किए हैं, दिए गए हैं। देन देखिए, यहाँ पे समराइज इंफॉर्मेशन खत्म होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपको उसी सब्जेक्ट की चार्ट में इंफॉर्मेशन मिलेगी,
हर एक सब्जेक्ट का ऐसा किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। देखिए सेल फेजेस है, ठीक है, डू यू नो है, जो नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए उसमें से देखिए यहाँ पे ब्लड नॉर्मल वैल्यूज, लाइफ फंक्शंस ब्लड कंपोनेंट के, ठीक है, ऐसे चार्ट्स क्या किए हैं, आर्टरी वेन कैपिलरीज, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चार्ट्स है वो चार्ट्स यहाँ पे आपको स्टडी फास्ट और कम टाइम में आप क्या कर सकते हो, पूरा स्टडी कर सकते हो। तो इस हिसाब से ये पूरे चार्ट्स हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। देन ये पूरा डिटेल है, किसी संस्था की इंफॉर्मेशन है इंस्टीट्यूट की, वो भी यहाँ पे डू यू नो में सेक्शन में दी गई है। देन ये चार्ट खत्म होने के बाद आता है सेक्शन उसी सब्जेक्ट के एमसीक्यू का, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेक्शन आता है। तो देखिए ओल्ड जो है पूरे एमसीक्यू इसमें क्या किए हैं, ओल्ड और कुछ प्रैक्टिस के लिए भी पूरे एमसीक्यू दिए गए हैं, ठीक है, अप टू द 2021 के एग्जाम तक यहाँ पे पूरे CGHS हो, ESIC हो, आपके स्टेट के एग्जाम्स हो, सेंट्रल के कोई भी एग्जाम्स हो, ठीक है, सभी एग्जाम के क्या किए गए हैं यहाँ पे MCQ, आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रैक्टिस करने के लिए, ये सभी MCQ BSF के हो उसके भी MCQ यहाँ पे दिए गए हैं, हर एक स्टेट के MCQ यहाँ पे क्या किए हैं 2021 तक MCQ यहाँ पे कवर, अपडेटेड MCQ जितने भी एग्जाम है वहाँ के अपडेटेड MCQ यहाँ पे कवर है और बाद में इसके आंसर। तो हर एक सेक्शन के लिए वैसा होने वाला है। देन देखिए यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री सेक्शन है, तो सेम पैटर्न रहेगा, थ्योरी रहेगी, चार्ट्स रहेंगे, देन उसके बाद, ठीक है, चार्ट के अंदर इंफॉर्मेशन सब कवर हो जाएगी। तो हर एक सब्जेक्ट का क्या है ऐसा पूरा इंफॉर्मेशन इस बुक के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा मैं लंबा रिव्यू नहीं बनाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में मैं अमेजोन की लिंक भी देने वाला हूँ, ठीक है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, बुक को परचेस करते हो कर सकते हो। इस बुक का प्राइस है 470 रुपये इसका प्राइस है, ठीक है। पेजेस है इसके पूरे टोटल पेजेस में यहाँ पे बता रहा हूँ, टोटल पेजेस है इसमें 479 पेजेस है टोटल, ठीक है, और ये आपको अमेजोन पे डिस्काउंट पे मिलेगी, तो अमेजोन से आप वो डिस्काउंट आपको मिल सकता है, वहाँ से परचेस करते हो कर सकते हो। लास्ट सेक्शन में यहाँ पे बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है, इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स ओके इसमें पूरे मेंशन किए गए हैं, देन इंपॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स जो है रिलेटेड टू द हेल्थ, तो ये पूरे उनके फ़ोन नंबर और हेल्थ स्कीम जो है गवर्नमेंट की, तो उस स्कीम के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। कुछ इंडस्ट्रीज है उसके इंडस्ट्री के जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है वो है, कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स जो मैंने आपको बताया था, एमरजेंसी कॉल नंबर जो होते हैं, गवर्नमेंट के कॉल नंबर जो होते हैं हेल्थ रिलेटेड, वो सभी चीज़ें इसमें है। जॉब सर्चिंग साइट्स है, ठीक है, जॉब को सर्च करने के लिए आपको कौन सी वेबसाइट्स इंपॉर्टेंट रहेगी ये है, ठीक है। फार्मा समाधान कुछ योजनाएं, कुछ इंपॉर्टेंट एड्रेसेस गवर्नमेंट के, तो बहुत ही एक्सक्लूसिवली और इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर कवर की गई है, ठीक है। तो ये बहुत बेस्ट बुक है जो आपके एग्जिट एग्जाम हो या गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की हो, ड्रग इंस्पेक्टर की एग्जाम हो, गवर्नमेंट लेक्चर, किसी भी एग्जाम के लिए समराइज जो डाटा होता है तो वो समराइज डाटा इसके अंदर है। तो ये कंप्लीट बुक रहेगी आपके स्टडी के लिए, ठीक है। तो ये अमेजोन से आप क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में बुक की लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स वंस अगेन।